दोस्तों, अगर आप NSDL के साथ पैन कार्ड का काम करना चाहते हैं या करते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे NSDL के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस तरह आप NSDL की पॉम आईडी ले सकते हैं। मतलब कि NSDL की खुद की आईडी जो मिल जाएगी, जो कि आपको NSDL की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। किसी भी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे जाके आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको NSDL की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे जो यूज़र आईडी मिलेगा वो यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे, कैप्चर देके लॉगिन करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट पैन कार्ड बना सकते हैं NSDL का, बिना किसी थर्ड पार्टी का, वो भी डायरेक्ट NSDL की वेबसाइट से। यहाँ पे सभी का बना सकते हैं, जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है उसका भी बना सकते हैं, और जिसका सिग्नेचर जिसको नहीं आता है उसका भी आप यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसकी आईडी कैसे लेते हैं और कैसे आपको ये आईडी मिलेगा, कैसे यूज करना है, हम पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, एक चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो शुरू करते और आपको बताते कि NSDL की ये फॉर्म आईडी कैसे मिलेगी। फॉर्म आईडी कैसे मिलेगी ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं, जब आपको फॉर्म आईडी मिल जाए तब आपको क्या करना होगा। तो आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, onlineservice.nsdl.com/form/। तो इस वेबसाइट पे आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब इस वेबसाइट पे आएंगे जो आपको यूजर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा। ये सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होगा। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको अपने सिस्टम में रन कर लेना, रन पे क्लिक करेंगे, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के साथ। अपने सिस्टम में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉल हो चुका, रन हो चुका। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जो NSDL की फॉर्म आईडी मिली उसको वो आईडी देंगे, वो पासवर्ड देंगे। उसके बाद इस कैप्चर बॉक्स को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका, ये होम है, रजिस्टर मशीन है, लॉग आउट है, यहाँ पर आपका यूजर आईडी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के रजिस्टर मशीन पर आएंगे, रजिस्टर दिस मशीन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर डिस मशीन के लिए आपके सिस्टम की MSC कोड ले लिया जाएगा, उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। एक आईडी को अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी रजिस्टर था मेरा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया, ऑलरेडी बता दिया। इस आईडी को आपको एक साथ दो सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। मशीन आपको रजिस्टर कर देने के बाद आपको सिंपली सा लॉग आउट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका ब्रांच कोड, आप जिस कंपनी से लिए कंपनी का नाम, यहाँ पे भी आपका यूजर नेम रहेगा। यहाँ से आप ब्रांच का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ नन एक्सेप्ट फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो देख सकते हैं। यहाँ से आप न्यू अप्लाई कर सकते हैं सिटीजन के लिए, यहाँ पर आप दूसरी कंट्री के लिए, यहाँ पर करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड चेंज या रिसेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये इस वीडियो में आपको बताना है, इसी यही मकसद था कि कहाँ पे लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे मशीन को रजिस्टर करना है, उसके बाद किस तरह आपको ये वर्क करना है। तो वीडियो का अंत में बताएंगे किस तरह आपको ये आईडी मिलेगा, इस पर कैसे पैन कार्ड बनाते हैं, कैसे पैन कार्ड सुधार करते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फॉर्म आईडी पे किस तरह पैन कार्ड बनाया जाता है, इस फॉर्म आईडी पे किस तरह पैन कार्ड सुधार किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़ आपको दिखने को मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसका आपको NSDL की फॉर्म आईडी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से अगर आप लेते हैं फॉर्म आईडी तो आपको बहुत कम रेट में मिल जाती है। अगर आप NSDL की कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और बोलेंगे हमको NSDL की आईडी चाहिए, तो वो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। वो कॉन्टेक्ट नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको 10,000 से 15,000 तक का डिमांड किया जा सकता है, 10,000 से 15,000 तक मांगा जा सकता है। लेकिन अगर आप हमसे लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब आपको मिल जाएगा बहुत कम, वो भी 3,000 से भी कम में आपको यहाँ पर फॉर्म आईडी मिल जाएगी। अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और यही आईडी के लिए बोलेंगे तो आपसे 10,000 से 15,000 तक का चार्ज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल करके लेंगे तो आपको 3,000 से भी कम रुपए लगेंगे फॉर्म आईडी के लिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए।
के साथ। तब तक बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पे।